हेलो बच्चो, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आई दीपक सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर वन ऑफ क्लास 9। एंड यू नो दैट, आप लोगों को मालूम है कि चैप्टर वन जो क्लास 9th में है वो आपका केमिस्ट्री है। ठीक है, उस का टॉपिक का जो नाम है, नाम क्या है आपका? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया तो पढ़ाई पे ध्यान देना है। और अभी अभी आप लोग क्लास 8 पास करके आए हैं, है कि नहीं? तो शुरू से ही आप लोगों को एकदम कंसंट्रेट करके पढ़ना है। अब कंसेप्ट को क्या करना है? क्लियर करना है। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक्स हैं उसका कंसेप्ट इतनी अच्छी तरह से क्लियर करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सीधे हम लोग चलते हैं कि इस क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर, दैट मींस मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पे आपका ओवरव्यू है चैप्टर का, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। वैसे इस चीजों के बारे में आप लोगों ने 6 में, 7 में, 8 में कुछ कुछ पढ़ा है, बस उसी को आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में इस क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों को इस चैप्टर में जो कवर करना है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोगों को क्या कवर करना है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या कवर करना है? तो वही, किसके बारे में? तो मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? मैटर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, नाउ उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। जैसे जैसे हम लोगों का साइंस डेवलप करते गया, जैसे एसेंट टाइम में जितने भी उस वक्त के क्या थे, फिलोसोफर्स थे, उन लोगों का कंसेप्ट क्या था मैटर के ऊपर। अब मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट क्या है मैटर के ऊपर, तो वो चीज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों को डिस्कस करना है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। अब फिजिकल नेचर, ठीक है, मैटर क्या क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा नहीं, करेंगे। ठीक है, उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि जो मैटर जो है पार्टिकल्स से बने हुए हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। जैसे जैसे अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो ये हम लोगों को समझ में आएगा कि मैटर जो है पार्टिकल से बने हैं। ठीक है, तो अब वो पार्टिकल से बने हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद से स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मैटर्स, मैटर जो है कितने स्टेट्स में पाए जाते हैं। वैसे मैटर्स जो है 5 स्टेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने लोअर क्लास में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको पढ़ने हैं कितने, आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब वो 2 स्टेट क्या है आपको हम जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे, ये टॉपिक पढ़ाएंगे उस वक्त बताएंगे। तो इसीलिए आपको बिना मिस किए हुए इस चीज को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर को कैसे हम लोग मेजर करते हैं वो चीज इसमें पढ़ने हैं। हम लोग लोअर क्लास में, यानी आप लोगों ने लोअर क्लास में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जैसे क्लास 7 में एक चैप्टर है हीट, ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो टेम्परेचर एंड हीट है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि टेम्परेचर को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो वहां पे आप लोगों ने दो यूनिट इस्तेमाल किए होंगे, एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट, उसका कन्वर्सन भी आप लोगों ने किया होगा। लेकिन जब आप क्लास नाइन्थ में आइएगा तो टेम्परेचर, ठीक है, जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, कोई भी क्वांटिटी है उसको दर्शाने के लिए क्या होता है, यूनिट्स होते हैं। तो CGS, MKS एंड FPS यूनिट फिजिक्स में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि क्या है, रीजनल है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। उसमें से आपका जो टेम्परेचर क्वांटिटी है उसका जो आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं यूनिट सेल्सियस और क्या फ़ारेनहाइट, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जैसे आप लोग लेंथ, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट आप लोगों ने पढ़ा होगा, SI यूनिट जिसको कहा जाता है मीटर, उसी तरह टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो है केल्विन, ठीक है, ना तो आपका फ़ारेनहाइट है और ना ही सेल्सियस है, क्या है, केल्विन। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अब कैसे हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, चाहे फ़ारेनहाइट से आप लोगों ने जैसे किया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है, क्लास एट में या सेवन में किया होगा कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट किए होंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किए होंगे। लेकिन यहां पे आप लोग को क्या ज्ञान मिलेगा कि किस तरह से सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया जाएगा या किया जाता है, या फिर किस तरह से फ़ारेनहाइट को केल्विन में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद से लास्ट, सेकेंड लास्ट में हम लोग इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे, तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, क्या मैटर जो है अपना स्टेट्स चेंज करता है, यानी जैसे आप लोग इस टॉपिक इस चैप्टर में पढ़िएगा, पढ़ेंगे, ठीक है, कि मैटर जो होता है थ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या मैटर जो है ये तीनों स्टेट्स में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, क्या लिक्विड जो है फिर सॉलिड बन सकता है, क्या सॉलिड जो है गैस बन सकता है, क्या गैस जो है आपका लिक्विड में चेंज हो सकता है, इस तरह से इंटरचेंज कर सकता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर कर सकता है तो कैसे, वैसे एग्जांपल तो आप लोगों को बहुत सारे मालूम है, लोअर क्लास में पढ़े हैं, जैसे आइस एक क्या है आपका सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर एक मैटर है, ठीक है, तो मैटर का आइस जो है सॉलिड फॉर्म है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि वाटर का लिक्विड फॉर्म भी एग्जिस्ट है, यानी वाटर जिसको हम लोग कहते हैं सिंपली, और उसके बाद से उसका क्या होता है गैसेस फॉर्म भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर वेपर, क्या कहते हैं, वाटर वेपर। अब ये कैसे होता है तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम आइस में क्या करते हैं हीट अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो वो चीज किसके कारण हुआ, तो टेम्परेचर के कारण हुआ। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, जो कि क्या होते हैं, यूज होते हैं ड्यूरिंग दी चेंजिंग ऑफ स्टेट्स। तो उसके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है इवापोरेशन और बॉइलिंग में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना है, जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पे हम पूरा क्या कर देंगे, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि किसको बॉइलिंग कहते हैं और किसको इवापोरेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या था, ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कवर करने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में शुरू में ही अब मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका डेफिनेशन हम लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़े हैं, 6-7 में भी पढ़े हैं कि मैटर क्या है, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि मैटर जो है क्या है, वो सब्सटेंस है जिसका, जिसके पास अपना मास और स्पेस वो क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सके और क्या हो, उसका अपना मास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंस। तो इसीलिए एनीथिंग, ठीक है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास
इज कॉल्ड मैटर। सिंपल डेफिनेशन, यानी कोई भी चीज ऐसा आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें पाए जा रहे हैं, चाहे पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज जिसका मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। क्लियर? चलो बच्चों अब देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल भी अगर आप लोगों से हम पूछें कि क्या क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब इस मार्कर को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक मैटर है। इसको हम मैटर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको जगह अगर हम वेट करेंगे तो इसका अपना मास होगा, मे बी अराउंड 25 ग्राम और 50 ग्राम, ठीक है। अगर इसको कहीं पे हम रख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, दैट मींस कोई ना कोई वॉल्यूम ये क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा, तो इसीलिए ये एक मैटर है। उसी तरह आप अपने चारों तरफ नजरें घुमा के देखिए, जो जो ये दो कंडीशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वो सब मैटर्स होते हैं। एक बार बच्चों आप अपने चारों तरफ देखिए क्या क्या आपको दिखाई देता है। तो अगर आप क्लासरूम में हैं, ठीक है, तो जिस पे बैठे हैं आप बेंच, वो भी आपका क्या है, मैटर। क्यों? क्योंकि उतने दूर का वो क्या किया हुआ है, स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, और साथ साथ ही वो क्या है, भारी होता है, यानी दे हैव अ मास, यानी इट हैज अ मास, ठीक है। दूसरा, ऊपर अगर चेहरा ऊपर कीजिएगा आप लोग, अपना हेड ऊपर कीजिएगा, तो पंखा दिखेगा, पंखा भी क्या है आपका, मैटर है। बाहर अगर खिड़की से बाहर देखिएगा तो क्या दिखेगा, स्कूल वैन दिख सकता है, ठीक है, मोटर बाइक दिख सकते हैं, तो वो जो चीज दिख रहा है वो तो आपका क्या है, मैटर, क्योंकि सबका अपना मास होता है और वो क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। अब सवाल कि क्या ऐसा कोई चीज है जो मैटर नहीं है, तो बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। पहला, फीलिंग्स, सबके पास फीलिंग होता है ना, जैसे लव, लव एक तरह का क्या है, फीलिंग है, ठीक है। आप लोग अपने जैसे भाई से प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो लोग जनरली बोलते हैं हम तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो जो प्यार है क्या 1 किलो प्यार करते हैं या 2 किलो प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका मास है नहीं है, बस शब्द है बहुत ज्यादा या थोड़ा सा, क्योंकि वो हमसे लड़ता है, झगड़ता है, इसीलिए हम उससे प्यार नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाली प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये सब क्या है, आपके मैटर नहीं है। जैसे किसी से आप क्या करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है, उसको डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो वो सब शब्द क्या है, आपके मैटर नहीं है, ठीक है। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। अब डेफिनेशन समझ में आ गया, हमने अपने चारों तरफ की चीजों को ऑब्जर्व किया तो हम लोगों को पता चला कि हाँ ये क्या है, मैटर है। अब इस मैटर को किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो मैटर को जो क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चों, ठीक है, पहले जो थे हमारे एसेंट फिलोसोफर्स, ठीक है, वो लोग इच्छुक थे अपने चारों तरफ की चीजों को जानने के लिए, कि हमारे चारों तरफ चीजें जो है क्या है, उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक थे, ठीक है। तो उन लोगों ने जो भी चीजें उस वक्त एग्जिस्ट थे, दैट मींस इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, उस वक्त के फिलोसोफर्स ने क्या किए कि जो भी चीजें उनके चारों तरफ एग्जिस्ट थे, उस एग्जिस्ट चीजों को देखा उन्होंने, तो वो एग्जिस्ट जितने भी चीजें थे, कि तो एयर, कि तो अर्थ, कि तो फायर, कि तो स्काई या कि तो वाटर, इन सब बेसिक चीजों से ही क्या हुए थे, मिलके बने हुए थे, यानी 5 ये बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए थे, जो भी चीजें उनके चारों तरफ दिख रहे थे वो सब ये 5 एलिमेंट से मिलके बने हुए थे, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कहा गया, 5 तत्व भी कहा गया, ठीक है। तो उस वक्त के जितने भी फिलोसोफर्स थे उन्होंने यही मैटर का डिस्क्रिप्शन किए या डेफिनेशन दिए कि मैटर्स वो है जो इन 5 तत्वों से बने हुए हैं।
उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर्स कहेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न साइंस हम लोगों का डेवलप करता गया, ठीक है, तो ये मैटर जो है दो भाग में क्लासिफाई किया गया, मैटर को दो भाग में क्लासिफाई किया गया, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे यानी दिखने में क्या है, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन के तौर पे। जैसे आप लोगों ने यह चीज पढ़ा होगा, ठीक है, कोई भी चीज होता है तो उसका दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आप लोगों ने क्लास 8 में मेटल पढ़े होंगे, ठीक है, चैप्टर 4 में मेटल पढ़े होंगे, तो मेटल में क्या आप लोगों को बताया गया है कि मेटल किसको कहते हैं, उसको दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो चीज है, एक मेटल और एक नॉन मेटल, ठीक है, आपके पास दो चीज है, सपोज दैट मैटर के तौर पे दो चीज है आपके पास, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब ये आपको नहीं मालूम है कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो उसके लिए उसमें बताया गया है, ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी वहां पे डिस्क्राइब किया गया है कि जो प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे मेटल की बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल शोस लस्टर, मेटल हैज डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, मेटल हैज सोनारस इन नेचर, ठीक है, मेटल्स कंडक्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, ठीक है, यानी जो जो सब्सटेंसेस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर उसी तरह हम लोगों ने मेटल्स को और नॉन मेटल्स को केमिकली भी क्या किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकली में कि मेटल, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, या सिंपल सा एसिड ना करके पहले ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेटल ऑक्साइड, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, कब, जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड, जिसमें कॉमन एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ, ठीक है, आपका अगर इसका हम लोग नेचर टेस्ट करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्या होता है, बेसिक इन नेचर। उसी तरह नॉन मेटल को यदि हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो यहां पे भी आपका क्या फॉर्म होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, तब यहां पे डिफरेंस ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करें तो क्या फॉर्म होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ये हमेशा एसिडिक इन नेचर होता है, क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया था, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को अकॉर्डिंग टू दियर क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या किए थे, डिस्टिंग्विश किए थे या फिर क्लासिफाई किए थे। सेम उसी तरह, ठीक है, सेम उसी तरह आप लोगों को यहां पे
मैटर को भी दो भाग में अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या करना है, क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो अगर फिजिकल के तौर पे जाएं तो मेटल मैटर को, ठीक है, यहां पे मैटर को, नॉट मेटल, मैटर को सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ये तीन कैटेगोरी में क्या किया गया है, फिजिकली डिवाइड किया गया है। ठीक है बच्चों, यानी मैटर को जो भी आपके चारों तरफ चीजें दिख रहे हैं, जो कि क्या कर सकता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसका मास है, उस सब मैटर से और उस मैटर्स को दो भाग में बांटा गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे और एक केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। आज जो फिजिकली है, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हुआ है, उसके हिसाब से मैटर को तीन भाग में बांटा गया है, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनका एग्जाम्पल भी आप लोगों को मालूम होगा, जैसे सॉलिड में एक कॉमन एग्जाम्पल आइस, वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस क्या है, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ आई वाटर, या बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो भी दिख रहा है, जैसे ये मार्कर दिख रहा है सॉलिड है, ठीक है, आप लोग के पास बुक जो है वो सॉलिड है, टेबल जिस पे आप लोग कोई चीज रखते हैं, रखे हुए हैं, वो आपका क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो वो सॉलिड हो गया। अब लिक्विड, तो लिक्विड में बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे वाटर एक कॉमन एग्जाम्पल, जो पीते हैं आप लोग पानी, लिक्विड, तेल, ऑयल, जिसमें पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जितने भी हैं देखे होंगे, लिक्विड है, ठीक है। उसी तरह कोई भी आप लोग क्या बनाते हैं, जूस, फ्रूट्स का जूस निकालते हैं, उस सब क्या है आपके, लिक्विड हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि उनका भी क्या होता है, उसको ओजन करते हैं, जैसे मिल्क, ठीक है, मिल्क, दूध आप लोग मार्केट से लेके आते हैं तो लीटर से नापते हैं, या कोई लोग उसको क्या करते हैं, केजी के हिसाब से भी होता है, ठीक है, या फिर लीटर के हिसाब से मिलता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी वेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आपका क्या हो गया, उस अगर उसको जिसमें रखते हैं या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ग्लास में डाल दिए तो ग्लास का शेप ले लिया, ठीक है, अगर आपने उसको लेने के लिए टिफिन लेके गए हैं तो टिफिन का शेप ले लेता है, ठीक है, दैट मीन्स दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस, इसीलिए ये सब आपके क्या हो गए, मैटर हो गए, लेकिन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। उसी तरह गैस, गैस में आप लोग, आपके चारों तरफ क्या है, एयर, एयर आपका क्या हो गया, गैस। उसी तरह स्मोक, जैसे कोई चीज जलाते हैं तो क्या निकलता है उसमें से, धुआं, क्या है, गैस। तो ये सब आपके क्या है, मैटर्स हैं, इसीलिए इसको फिजिकली इन तीन चीजों पे क्या किया गया है, बांटा गया, ठीक है। उसके बाद से केमिकली फिर मैटर को और तीन भाग में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू दियर प्योरिटी। जैसे पहला है एलिमेंट्स, ठीक है, दूसरा कंपाउंड, तीसरा मिक्सचर। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको प्योर है या नहीं उस बेस पे। अगर कोई सब्सटेंस प्योर, अब यहां पे साइंस में प्योर का शब्द क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे जनरली हम लोग प्योर इम्प्योर को क्या कहते हैं, यानी प्योर वो है जो कि साफ सुथरा है, ठीक है, उसको कहते हैं, इम्प्योर जो गंदा मैला है उसको इम्प्योर कहते हैं जनरली। लेकिन प्योर और इम्प्योर का अगर प्रॉपर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ साइंस में देखें तो प्योर मतलब, जैसे यहां पे अब मैटर का बात हो रहा है तो आप लोग को मालूम हो गया है कि मैटर जो है क्या है, वैसा चीज है जो कि क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और साथ साथ ही आपका क्या है मास होता है। और भी आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, यानी बहुत सारे चीजें मिलके बने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके बने होते हैं। तो अब वो पार्टिकल्स अगर एक ही तरह के काइंड से हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग प्योर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे देख लीजिए, तो मान लीजिए कि आप राइस, यहां चावल की बात हो रही है, ठीक है,
अगर चावल में सिर्फ चावल ही है, कंकड़ नहीं है, कोई चीज मिक्स नहीं हुआ है, तो हम उसको प्योर क्या कहेंगे? राइस कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? प्योर राइस कहेंगे। लेकिन अगर उसमें आपका राइस में कुछ स्टोन, ठीक है, स्टोन, ठीक है, STONE, स्टोन, उसके बाद से उसमें दाल कुछ मिल जाए, ठीक है, अब ये मिक्सचर जो है, अगर मिक्स हो गया है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? प्योर राइस नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्योर कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे। तो इसी बेस पे केमिकली मैटर्स को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड एंड मिक्सर। तो जो जो प्योर है, ठीक है, तो वो है आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, आपके प्योर है। ये जो मिक्सर है, ये आपके क्या है? इम्प्योर है। तो इस हिसाब से आपका क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर को, यानी मैटर को पहले दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है, फिजिकली एंड केमिकली, ठीक है, फिजिकली एंड केमिकली, केमिकली। तो फिजिकली में इसको पहले सॉलिड में बांटा गया है, उसके बाद से लिक्विड में, ठीक है, और उसके बाद से गैसेस या गैस में, ठीक है, ये तीन चीजों में इसको बांटा गया। अगर केमिकली आए तो मैटर को पहले क्या किया गया है? दो भाग में बांटा गया है, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर, ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर में आ जाते हैं आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, प्योर में आ जाते हैं आपके एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और इम्प्योर में आ जाते हैं आपके मिक्सचर। क्या आ जाते हैं? मिक्सचर। तो ये जो चीजें हैं, यानी पूरे मैटर्स को इस तरह से बांट दिया गया है, ठीक है, यानी मैटर को फिजिकली क्या किया गया है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटा गया है, और केमिकली इम्प्योर और प्योर में बांटा गया है, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है प्योर फॉर्म में होते हैं और मिक्सचर जो होते हैं आपके इम्प्योर फॉर्म में। अब हम लोगों को ये जो चीज है, इतना, यानी केमिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफाई किया गया है, इसको हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर, यानी क्लास 9th के, ठीक है, सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें पढ़ना है, यानी ये आपका चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 1 में बस हम लोगों को क्या डिस्कस करना है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये सब चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? मैटर का डेफिनेशन, यानी मैटर वो चीज है जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई कर पाता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को जो है केमिकली और फिजिकली क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। फिजिकली कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो सॉलिड, लिक्विड, बेस, ठीक है। और केमिकली कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो प्योर और इम्प्योर के टर्म्स में, प्योर में आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड के ग्रुप में, एंड इम्प्योर में मिक्सर के ग्रुप में क्या किया गया है? इसको पूरे मैटर्स को जो है बांटा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर जो है उसका नेचर क्या होता है, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, दैट मींस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जब अब हम लोग देखेंगे मैटर को, तो ये पाएंगे कि मैटर जो है एक कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, वो क्या है आपका? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। दूसरा,
तो अब वो पार्टिकल से बने हुए हैं, तो वो पार्टिकल्स कितने बड़े होते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग एक्टिविटी के साथ, ठीक है, एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी से हम लोग इस दोनों का क्या करेंगे, आंसर जानेंगे, ठीक है। तो पहला एक्टिविटी हम लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, पहला एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, टेक टू और थ्री क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी दो या तीन, ठीक है, दो क्रिस्टल ले लीजिए, क्रिस्टल मतलब दाना, किसका, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला KMnO4, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या लीजिए, दो दाना ले लीजिए, ठीक है। अब ये पोटेशियम पर मैग्नेट आप लोग देखे होंगे, अभी अभी हम लोग का कलर्स फेस्टिवल खत्म हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोग पिंक कलर यूज कर रहे थे, उसको पानी में डाल रहे थे तो पिंक हो जा रहा था, यानी पर्पल, ठीक है, वही है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इसको करना क्या है कि दो या तीन क्रिस्टल दाना पोटेशियम पर मैग्नेट का 100 ml पानी में ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद से टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है, उसमें से 10 ml क्या कीजिए, ले लीजिए सॉल्यूशन में से, जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्या लिया, बीकर लिया, ठीक है, बीकर में आपने क्या कर दिया, 100 ml आपने उसमें क्या कर दिया है, मान लीजिए पानी ले लिया, उसमें आपने दो क्रिस्टल की पोटेशियम पर मैग्नेट का उसमें डाल दिए, ठीक है, थोड़े देर बाद क्या पाइएगा, ये पूरा सॉल्यूशन जो है पिंक कलर हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें से 10 ml, ठीक है, इसमें से आपको 10 ml क्या करना है, 10 ml वो सॉल्यूशन लेके दूसरे बीकर में, जो कि ऑलरेडी उस बीकर में आपका 90 ml क्या है, वाटर है, उसमें इसको लाके डाल देना है, ठीक है। और ये एक्टिविटी जो है आपको कंटिन्यू 5 या 8 बार करना है और ऑब्जर्व करना है होता क्या है। तो एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है, आपको करना क्या है, एक बीकर लेना है, ठीक है, एक बीकर ले लिए, इस बीकर में 100 ml यानी 100 ml पानी ले लीजिए, ठीक है, 100 ml पानी ले लीजिए। अब उसके बाद से इसमें दो तीन पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल को इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद से आपको करना क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे कि ये जो पूरा सॉल्यूशन जो है, ठीक है, ये आपका जो सॉल्यूशन है पिंक कलर का हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, इस तरह से आपका पूरा सॉल्यूशन जो है पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद से आपको करना क्या है, फिर एक दूसरा बीकर लीजिए, ठीक है, दूसरा बीकर लीजिए जिसमें ऑलरेडी आपका क्या है, 90 ml पानी है, 90 ml क्या है आपका, पानी है, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कीजिए, 10 ml ये सॉल्यूशन से 10 ml क्या करिए, इसमें डाल दीजिए। अब यहां 10 ml जैसे डालिएगा, ठीक है, थोड़े देर बाद ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा सॉल्यूशन फिर पिंक कलर में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 10 ml और निकालिए, पहले से 90 ml पानी रखिए क्लियर, फिर उसमें 10 ml डालिए,
तो आप धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है 4-5 बार करिएगा, ठीक है, 5-6 बार, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ये ऑब्जर्व होगा कि ये जो कलर्स है, ये कलर्स में आपका क्या आएंगे, डिफरेंसेस दिखाई देने लगेगा। ये एकदम डार्क कलर, उसके बाद से धीरे 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 जितने बार आप उसको टाइम्स, जितने टाइम्स आप करते जाइएगा, उसका कलर क्या होता जाएगा, फेड 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 होता जाएगा। तो अब इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, इससे हम लोगों को समझ में क्या आता है, तो पहली बात कि जो 2 क्रिस्टल हम लोगों ने लिया था, छोटा सा लिया था, एकदम चीनी का दाना देखे होंगे उतने ही दाना बराबर ये होता है, ठीक है, क्रिस्टल। तो अब ये जो क्रिस्टल है, ये जो छोटा सा दाना लिए थे, मान लीजिए कि जब हम इसको 10 ml इसमें से जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है आपका, पिंक कलर। यहां पे ये जो वाटर 100 ml है और 2 क्रिस्टल डाल रहे हैं, तो ये आपका पिंक कलर हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पिंक कलर हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से 10 ml हम निकाल रहे हैं, तो ये पिंक कलर एक्चुअल में किसके कारण हुआ है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के कारण हुआ है, ठीक है। अब हम जब यहां से 10 ml इसमें से इसमें डालेंगे, तो हमारे पास 3 केसेस एराइज होंगे। एक तो ये केस एराइज होगा कि हो सकता है कि 10 ml जब इसमें से निकाल रहे हैं, तो ये दोनों जो क्रिस्टल है, ठीक है, उस 10 ml में आ जाए और इसमें चला जाए, ठीक है। तो यदि अगर वो केस होता है, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये दोनों पिंक, पूरा पिंक इसी 2 क्रिस्टल के कारण हुआ है। तो यदि अगर ये दोनों क्रिस्टल इसमें चला जाएगा और ये पिंक हो जाएगा, तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, आपका क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसी के कारण पिंक सॉल्यूशन बने थे। बात समझ में आ रहा है? दैट मींस ऐसा होता नहीं है, हम लोग रियल में ऑब्जर्व करते हैं तो ये होता नहीं है, ठीक है, तो ये भी केस नहीं हुआ होगा। दूसरा अगर बात करें, तो जब 10 ml इसमें से हम निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि 1 क्रिस्टल इसमें से निकले और इसमें एक रह जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही ये करते हैं, तो हो सकता है कि 1 क्रिस्टल इसमें आ जाए, तो इसके कारण ये पिंक हो जाए। लेकिन फिर हम कैरी ऑन कर रहे हैं दूसरे थर्ड स्टेप में, तो यहां पे भी पिंक कलर जा रहा है। तो जब इसमें से 10 ml निकाल रहे हैं, यहां पे पिंक कलर जा रहा है, तो जो 1 क्रिस्टल यहां आया था, तो 10 ml में वो क्रिस्टल यहां चला गया, तबे ना ये पिंक हुआ, ठीक है। तो अब अगर वो वहां चला गया, तो ये पिंक नहीं होना चाहिए, फिर ये क्लियर वाटर हो जाना चाहिए, कलरलेस, लेकिन ये भी नहीं होता है। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ना, कि यदि ये जो पिंक कलर है आपका, वही 2 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से हुआ है, तो जब अगर हम क्या करेंगे, 10 ml इसमें से लेके इसमें डालेंगे, तो यदि ये दोनों क्रिस्टल अगर इसमें चला आता है, तो ये तो पिंक कलर हो जाएगा। दैट मींस ये 2 क्रिस्टल के कारण पिंक कलर था, और इसमें आ जाएगा, तो ये फिर कलरलेस हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कलरलेस नहीं हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हुआ होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए कि हो सकता है कि इसमें से 1 क्रिस्टल जो है इसमें आ जाए, 1 क्रिस्टल इसमें ही रहे, ठीक है, तो उसके कारण ये दोनों पिंक हो सकते हैं। लेकिन फिर थर्ड केस में जो आप यहां पे देख रहे हैं कि 10 ml फिर हम यहां से लेके क्या कर रहे हैं, दूसरे में डाल रहे हैं, तो वहां पे भी आपका क्या हो जा रहा है, पिंक कलर हो जा रहा है, लेकिन ये स्टिल पिंक कलर, ये वाला जो है इसमें से 10 ml ले रहे हैं, तो यहां पिंक कलर जाने का मतलब क्या हुआ, जो 1 क्रिस्टल यहां पे आया था, वो क्रिस्टल क्या हो गया, इसमें जाना हुआ, ठीक है। तो अगर इसमें चला जाएगा, तो ये तो फिर आपका डिसकलर हो जाना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। अब तीसरा आपका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, कि इसमें से आपका क्या हो, एक को क्या ना हो, 10 ml जो निकाल रहे हैं आप यहां से यहां डालने के लिए, इसमें से 2 क्रिस्टल में से कोई भी क्रिस्टल उस 10 ml में ना जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब वो नहीं जाएगा, तो ये कलर फिर क्यों पिंक हुआ, क्योंकि देखा जाए तो आपका ये पिंक कलर ड्यू टू पोटेशियम परमैंगनेट के ही कारण हुआ था। तो अब ये यहां नहीं गया, तो फिर ये पिंक कलर हुआ कैसे? तो ये जब तीनों पॉसिबिलिटी को हम लोग देख रहे हैं, ये तीनों पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है, तो इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि जो ये 2 क्रिस्टल हम लोगों ने शुरू में 100 ml वाटर में डाले थे, ये 2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का, ये ऑब्वियसली
क्या है और इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। जब उसको पानी में हम डाल रहे हैं तो ये क्रिस्टल जो है और छोटे 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 क्या हो जा रहे हैं, टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक होके पूरे इस सॉल्यूशन में क्या हो जा रहे हैं, स्प्रेड हो जा रहे हैं। इसीलिए जब हम इसमें से 10 ml इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये छोटे 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 पार्टिकल्स जो है, ठीक है, इसमें से कुछ पार्टिकल्स इसमें चले जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये जो दो क्रिस्टल थे पोटेशियम परमैंगनेट का, ये क्या हो गए, ब्रेक होके क्या हो गए आपके, मान लीजिए कि 1,00,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1,00,000 पार्टिकल्स में क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अब इसमें से 10 ml निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि 1,00,000 में से आपका क्या हो, 10 ml में कितना चला जाए, 10,000, ठीक है, 10,000 पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएं इसमें से, ठीक है, 10,000 पार्टिकल्स आपके इसमें से क्या हो जाएं, इसमें आ जाएं, ठीक है। फिर इसमें से 10 ml निकाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाए, 1,000 पार्टिकल्स इसमें आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद से फिर हम कैरी ऑन कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें से 10 ml जब निकाल के इसमें डाल रहे हैं तो हो जाए कि 100 पार्टिकल्स आ जाए। फिर इसी तरह कर रहे हैं तो 10 पार्टिकल्स हो जाए और जैसे लास्ट में आए तो एको पार्टिकल्स ना आए। तो जब ये पूरा स्टेप हम करेंगे तो फाइनली हम क्या पाएंगे, जो लास्ट वाला होगा वो टोटली कलरलेस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स कोई नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो यहां इस एक्सपेरिमेंट से यानी इस एक्टिविटी से हम लोगों को यह पता चला कि जो दो क्रिस्टल हम लोगों ने इस सॉल्यूशन में वाटर में डाले थे जिसके कारण ये आपका क्या हुआ, पिंक कलर हुआ, वो दो क्रिस्टल ही सबसे छोटा नहीं है, यानी जो वो क्रिस्टल मैटर है वो सबसे छोटा नहीं है, उससे भी छोटे आपके क्या है, मतलब उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो गए, कंबाइन होके वो क्रिस्टल फॉर्म हुए हैं। तो यहां से हम लोगों को ये मिलता है कि मैटर जो है स्टिल क्या होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल से बने होते हैं। अब दूसरा चीज कि ये कितना छोटा है, तो थिंक अबाउट दैट कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, 100 ml पानी में वो पार्टिकल्स को हम डाल रहे हैं, ठीक है, डाल रहे हैं, इसका मार्किंग को आप क्या कर लीजिए, लेबल को मार्क कर लीजिए, तो जब दो पार्टिकल्स इसमें डाल रहे हैं तो इसका क्या नहीं हो पा रहा है, लेबल जो है क्या नहीं हो रहा है, हाई नहीं हो रहा है, यानी राइज नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वो लेबल उतना का उतना ही दिखा रहा है, ठीक है। तो उतना का उतना ही दिखा रहा है, दैट मींस ये जो पार्टिकल्स छोटे छोटे कणों में क्या हुए, क्या हुए, डिजॉल्व हुए या ब्रेक हुए, वो गए कहां, क्योंकि हम लोगों को तो मालूम है कि कोई चीज अगर किसी चीज में मैटर जो है वो है जो कि किसी चीज में हम लोग डाल मतलब किसी चीज में डालेंगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो अब ये जो पार्टिकल्स है यहां डाल दिए तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इसका क्या होगा, लेवल हाई ऊपर चढ़ेगा ही, ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी इसमें जो वाटर है, ठीक है, जो ऑलरेडी इसमें वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हो ना हो स्पेस है। इसीलिए जो ये छोटे 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 जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स आके इसके बीच में क्या हो गए, सेटल हो गए, जिसके कारण ये क्या नहीं हो पाया, इसका लेवल राइज नहीं हुआ। तो ये दो, ये एक्टिविटी से ये दो चीज क्या होता है, कंफर्म होता है कि मैटर जो है क्या है, स्टिल छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं और मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यही डिस्कस करेंगे, कल यानी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।